प्रेशर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट ईयर थोड़ा चिल्लाओ सेकंड ईयर थोड़ा चिल्लाओ फर्स्ट ईयर में दम दिखा थर्ड ईयर तो आप लोग का आज मुझे लग रहा है पहली बार कॉलेज में कोई ऐसा ऑफलाइन इवेंट हो रहा है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो आए हो तो फॉर यू आई फील दिस इज द बर्थ ऑफ योर कॉलेज लाइफ द फर्स्ट ऑफ मेनी मोर इवेंट्स टू कम तेरी खूबसूरती ऐसी कि किसी अंधे को भी नजर आ जाए तेरी आवाज किसी बहरे के कान में संगीत का शहर बना जाए तेरी सांस शहरों में तूफान ले आती है तेरी चाल सबको बेहाल कर जाती है पर ये कमाल कभी हमारे आंगन में भी दिखाया करो माँ को एक बहू चाहिए उस पोस्ट के लिए अप्लाई तो क्या करो तो जिसको भी अप्लाई करना हो हमारे दिल का क्यूआर कोड स्कैन कर लेना तो ऐसे ही अपना सुना हाँ चलो कंटिन्यू करता हूँ चलो तो ऐसे ही अपना फटा हुआ क्यूआर कोड लेकर जा रहा था तभी हमने उनको देखा पहली झलक में कविता लिख दिया था किसी को देखा था बता नहीं सकता आगे वक्त मिलेगा तो सुनाना चाहूंगा पर पहले उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा फिर उसकी खूबसूरती पे बात आई है उसकी खूबसूरती ऐसी है कि बयां करने को ना शब्द है ना कोई शायरी उसकी खूबसूरती ऐसी है कि ना बयां करने को ना शब्द है ना कोई शायरी बस बेहिसाब सी है वो जो उसके वफा के काबिल बन भी जाए अगर हम उसके वफा के काबिल बन भी जाए अगर हम तो सवाल पूछने पे मजबूर कर देती है अगर इसके काबिल कोई कैसे हो सकता है जिसको खोने का गम रब आज भी मनाता हो उसके खातिर कोई कितना ही काबिल हो सकता है तो तुम्हारी काबिलियत और उसकी खूबसूरती के जंग में आगे एक पंक्ति और पेश करता हूँ चाहे पैसे अनगिनत ले आओ चाहे पैसे अनगिनत ले आओ उसकी नजर के आगे वो कुछ भी नहीं चाहे औदे राजाओं के ले आओ उसकी अदा के आगे वो कुछ भी नहीं चाहे रब को ले भी आओ धरती से चाहे रब को ले भी आओ धरती से उसकी हंसी के आगे वो कुछ भी नहीं ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए आपका दरिया है और फ्रेंड जोन होते जा रहे हैं Give a big round of applause for our very own college celebrity who is both prasiddha not only college prasiddha but yeah okay so yeah you know who it is guys it's Devachand Mishra जिनके हाथ में दो तीन फूल दे दो यारोडिया में जोक्स है मैं करके जाऊंगा ठीक है लास्ट जो दिन उड़िया हूँ मैं थिंक इज माई डू द फर्स्ट जो इन उड़िया थिंक शुड नॉट बी प्रिटी दैट मच बाय द वे यहाँ पर कितने लोग हो जो गवर्नमेंट स्कूल से हो मैं हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल से कोई है गवर्नमेंट हाई स्कूल से आई वॉज फ्रॉम ए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हेलो सो द थिंग इज कि अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल से हो ना और टेंथ के बाद तुम प्राइवेट स्कूल चले जाते हो ए देखो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ठीक है गलत वेबसाइट पे अपलोड मत करो बाद में कॉमेडियन रात को जो वही वेबसाइट पे
में जाता है। खुद के वीडियो देखने को मिलते हैं यार। कॉमेडियन फॉकिंग विद 69 अदर्स। रिकॉर्ड कर रहा था, अपलोड मत करना। तो मेरा ना क्या था कि 10th के बाद हमें प्राइवेट स्कूल में छोड़ दिया, और हम गवर्नमेंट स्कूल में थे तो हमारी वोकैबुलरी की मार इतनी बड़ी थी। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में ना एक गुजराती लड़की थी, उससे हमने एक बार हेल्प मांग लिया। स्केल है इसलिए कोट वही ना जिससे सिटी लकीर की उनसे नहीं, जिससे टीचर हड्डियां तोड़ते हैं। अब देखो लड़की ने बोला कि उसे रूलर कहते हैं, मानना पड़ा क्योंकि इंडिया में हो जो गुजराती बोले मान लो। छह महीने बाद हिस्ट्री का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट योर फेवरेट रूलर। नटराज के ऊपर जो मैंने डेढ़ पेज का ऐसे लिखा है, नटराज के ऊपर जीरो मिला। अरे बार बार चला गुजराती होंगे तो भरोसा नहीं करना चाहिए यार। हम प्राइवेट स्कूल में थे ना, तो जब मैं गया वहाँ पे लड़के इतनी क्यूट से टिफिन लाती थी, उस पर टिक्की बना हुआ है। बेटा पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो, यही मौका। तो हम टिफिन लेके जाते थे 3 स्टोरेज वाला डिब्बा, जिसके पीछे हमारी मम्मी ने नेल पॉलिश से ऐसा भी नहीं कि यार मतलब स्कूल का नाम लिख दे, वो लिखती थी जो वो बुलाती थी। हमारा हेडमास्टर असेंबली में मतलब स्टेज पे अनाउंस कर रहा है किसी का टिफिन खो गया है, जिसका भी नाम भाया है आगे ले जाओ। अब कौन बताएगा कि मेरा नाम भाया है। मैंने एक लड़की से पूछ लिया फेवरेट स्कूल में, तुम टिफिन में क्या लाई हो, फिर से पैन केक है, हैप्पी बर्थडे। एक बर्थडे नहीं होने का फर्क भी नहीं पड़ता केक खाने से मतलब। तुम यहाँ पर कोई है मिडिल क्लास फैमिली का? पूरा सिटी मिडिल क्लास फैमिली का है। मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज नहीं होता, तो होता है फैमिली ट्रिप। हमारे बाप को कोई आइडिया नहीं है, एक जगह एक साथ मिलकर 4 लोग जा सकते हैं। और एक चीज नहीं होती फैमिली में, वो है सॉरी। तुमने कभी देखा है अपनी मम्मी को पापा को सॉरी बोलते हुए? ये लोग झगड़ा करते हैं फिर बच्चों के थ्रू बातचीत करते हैं। रिंको बोल दे अपने बाप को माँ की बात। यार जब हम क्लास 6-7 में थे ना, यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, क्लास के रहे रस्सी गड्ढे में। तो हम लोग क्लास 6-7 में थे, तो हमें ना तुम्हें याद है वो 8th क्लास में चैप्टर होता था बायोलॉजी में, उस बच्चे ना चूती होते थे, उन्हें क्लास 6-7 पहले भी उन्हें पता था। कुछ बच्चे इनोसेंट होते थे, माँ बाप से पूछ लेते थे भगवान को इनवॉल्व कर देते, आम प्रार्थना कलु तुम केवल से प्रार्थना कल के प्रार्थना इकापर मानुसी ए बेले आंखे पड़े पचास
सांसलो आशीष पूरा नाम लिखा था सबका पूरा थैंक यू ऑल यू गाइस फॉर इनवाइटिंग मी टू यस्टरडे हियर एंड यू ऑल वेयर वेरी लवली एंड दैट वाज वेरी गुड फॉर परफॉर्मिंग आउट देयर थैंक यू थैंक यू गाइस जोरदार कॉल करी थे ये जो मत बढ़िया पड़े थे जाने मुझे जाने वो समस्या है लगे नशे नशे से खोया तुझे मैं नशा नशा तेरे बिन जिया जो मैंने जिंदगी खो दिया सब तो यही तेरे बिन जिया जो मैंने जिंदगी खो दिया सब तो यही तुझको जाने यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखी जो बाकी आगे तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना कभी मेरा जाना हुआ यहाँ से जमाने को तुझे जमाना हुआ मेरा समय तो यही पे
Oh!